डियर स्टूडेंट, लेसन फिफ्थ क्लास, फिफ्थ यानी क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी लेसन फिफ्थ यूक्लिड ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है? दरअसल इस चैप्टर में जब आप जाते हैं तो आपको मिलता है कि कुछ पोस्टलेट और कुछ एक्जियोम्स दिए गए हैं। दरअसल यूक्लिड साहब जो थे उन्होंने अपने अध्ययन में कुछ चीज़ें पाया और जो पाया उसको हमें अपने एक्जियोम और पोस्टुलेट के माध्यम से समझाया। अब हमको ये देखना है कि ये सब पॉइंट्स उन्होंने क्या पाया, कैसे उसका जीवन में उपयोग हो रहा है, यही हमें समझना है। और इसके बाद फिर आप एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सियोम का मतलब होता अभिगृहित, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स, सेवन पॉइंट्स कुछ उन्होंने पाए, कुछ ऐसे पॉइंट जो सब जगह लागू होते हैं। सब जगह लागू होने का मतलब केवल ज्योमेट्री में नहीं, ये बाकी पूरी मैथमेटिक्स के सारे हिस्से में लागू होते हैं। और जो पोस्टुलेट उन्होंने बनाए यानी अवधारणाएं, वो ज्योमेट्री में लागू होती हैं। ठीक है, इसका मतलब एक्सियोम ऐसी चीज़ है जो गणित के हर पार्ट में लागू होती है और अवधारणाएँ ऐसी चीज़ होती हैं जो केवल ज्योमेट्री में लागू होती हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि उन्होंने अपने एक्सियोम में क्या पाया, कौन सी ऐसी बात कही है जो गणित के हर पार्ट में लागू होती है, समझा जाए। आइए सुनते हैं। फर्स्ट में लिखा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, मतलब जो कोई वस्तुएं हैं वो अगर किसी सेम थिंग के बराबर हैं, किसी एक वस्तु के बराबर कई सारी चीज़ें हैं तो वो आपस में बराबर होंगी। मतलब ये हुआ कि ये जो मार्कर आप देख रहे हो इसकी लेंथ है, अगर इतने बराबर लेंथ की हम कई सारे लकड़ियाँ काट लें इसी के बराबर तो वो सारी लकड़ियाँ आपस में भी बराबर होंगी। क्लियर हो रही बात? देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, इक्वल टू सेम थिंग्स, मान लो इसी के सेम में कई सारी लकड़ियाँ मैंने काट ली तो क्या हुआ, थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, वो आपस में भी इक्वल होंगी। कितना सिंपल है ना? अगर एग्जाम्पल से आप समझना चाहें, एक एग्जाम्पल तो आपने देख लिया। सपोज ये कि एक लाइन हमने खींची ए बी हमने लाइन खींची, अब इसी के बराबर मैंने दो लाइन और खींची इसी के बराबर, मान लो एक लाइन खींची सी डी जो इसी के बराबर है, एक लाइन और खींची पी क्यू जो इसी के बराबर है, ए बी के बराबर है, मतलब द गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी और ये भी गिवन है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है क्योंकि द थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग, सेम थिंग मतलब ए बी के बराबर ये दोनों लाइन थी। तो बताओ क्या हम कह सकते हैं कि सी डी इज इक्वल टू पी क्यू? बहुत आराम से कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि सी डी भी ए बी के इक्वल है और पी क्यू भी ए बी के इक्वल है, तो इसका मतलब सी डी और पी क्यू दोनों बराबर होंगे। अच्छा बताओ, कितने नॉर्मल सी बात है ना, द थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स इज इक्वल टू अनदर वन अनदर, मतलब एक चीज़ के बराबर अगर कई सारी चीज़ें हैं तो वो आपस में भी बराबर होंगी। जैसे मेरे पास 100 रुपये का एक नोट है और 100 रुपये के एक दूसरा नोट आपके पास है, 100 रुपये का एक दूसरा नोट आपके पास, 100 रुपये का एक दूसरा नोट इनके पास है, तो आपस में आप सबके जितने 100-100 रुपये वाले नोट हैं सब इक्वल वैल्यू रखते हैं। बताओ सब जगह लागू हो रहा कि नहीं हो रहा? हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, 100 रुपये के नोट का एग्जाम्पल दिया, मेरे ख्याल से आपको ये पहली लाइन समझ में आ गई है। आइए अब देखते हैं सेकंड लाइन में क्या उन्होंने कहा। सेकंड लाइन है, इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल, माने दो बराबर चीज़ें हैं मान लो और उसमें कोई बराबर चीज़ें ऐड कर दी जाए। जैसे मान लो दो लोगों के पास 10-10 रुपये है, सपोज करो दो लोगों के पास 10-10 रुपये हैं, बराबर हैं आपस में, अब हमने क्या किया 5-5 रुपये दोनों को और दे दिया, तो अब इनके पास भी 15 हो गया, इनके पास भी 15 हो गया, अब ये दोनों भी बराबर हैं, अब भी बराबर है। क्लियर हो रही बात? देखो, द इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, कोई इक्वल चीज़ इक्वल चीज़ों में ऐड किया जाए देन द होल्स आर इक्वल, होल्स भी इक्वल होंगे। सही है? देखो सपोज करिए कि यहाँ पर कोई चीज़ दिया है, ऑलरेडी गिवन है ए इज इक्वल टू बी, ये गिवन, तो अगर हम इसमें 1 ऐड करें और इसमें भी 1 ऐड करें तो a प्लस 1 इज इक्वल टू बी प्लस 1 हो जाए।
क्योंकि सेम चीज़ हम इक्वल सेम इक्वल थिंग ऐड किया, मैंने प्लस वन इधर किया तो प्लस वन इधर भी किया, इसलिए दोनों बराबर। ऐसे ही अगर मान लो कोई चीज़ पी इज इक्वल टू क्यू लिखा है और इसमें भी हमने ए प्लस किया, इसमें भी हमने ए प्लस किया, तो पी प्लस ए इक्वल टू क्यू प्लस ए होगा, क्योंकि इक्वल चीज़ ऑलरेडी थी और उसमें हमने इक्वल चीज़ें ही ऐड कर दिया, इक्वल चीज़ों में हमने इक्वल चीज़ ऐड कर दिया, इसका मतलब हुआ कि अब भी ये दोनों इक्वल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने देख लिया। अब आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट में उन्होंने क्या कहा। तीसरे पॉइंट में कहा, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। फिर सेम चीज़ हो गई, सब कुछ करो कि दस दस रुपया दोनों के पास है, आपस में बराबर है। अब हमने क्या किया, दो रुपया इनसे ले लिया, दो रुपया इनसे ले लिया, माइनस करवा दिया। अब इनके पास भी आठ बचा, इनके पास भी आठ बचा, आपस में अब भी इक्वल है ना। यानी सेम चीज़ अगर दो इक्वल चीज़ों में से या कई सारी इक्वल चीज़ों में से सेम चीज़ हम माइनस करें, सेम चीज़, तो फिर जो बची हुई वैल्यू होगी वो भी इक्वल ही होगी। मतलब हम एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो कहीं ए इज इक्वल टू बी गिवन है, तो अगर इसमें से हमने 5 माइनस किया और इसमें से भी 5 माइनस किया तो ए माइनस 5 इज इक्वल टू बी माइनस 5 और सेम होगा। तो मतलब इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ। देखो फिर से देखो, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, यानी ऑलरेडी कोई चीज़ इक्वल थी, ए इज इक्वल टू बी ऑलरेडी गिवन थी, उसमें से हमने इक्वल चीज़ सब्ट्रैक्ट करी, 5 इसमें से भी 5 उसमें से, तो ए माइनस 5 इज इक्वल टू बी माइनस 5 इक्वल होगा। ठीक है, आप ऐसे न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मान लो 20 रुपया इनके पास है, 20 रुपया इनके पास है, ये दोनों बराबर है। हमने इसमें से भी 5 माइनस किया, इसमें से भी 5 माइनस किया, बोलो बराबर चीज़ माइनस किया, तो बताओ इनके पास भी 15 बचेगा, इनके पास भी 15 बचेगा, आपस में अब भी बराबर। तो यानी पिछले में था एडेड सेम चीज़ एडेड और इसमें था सेम चीज़ सब्ट्रैक्टेड, तो दोनों सेम हो गए। आपने तीन पॉइंट देख लिए, आइए देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट इन्होंने बताया एक्सियोम का, द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट। सॉरी, फोर्थ पॉइंट है, थिंग्स विच आर कंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कंसाइड समझते हो, संपाति होना, संपाति का मतलब हुआ कि इसी के ऊपर कोई चीज़ रख दो और इसी के बराबर हो जाए, संपाति हो जाना, उसके ऊपर चढ़ जाना, एकदम बराबर हो जाना। तो कह रहे हैं कि थिंग्स विच आर कंसाइड विथ वन अनदर, यानी दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे पर कंसाइड कर रही हैं, यानी जस्ट इक्वल हो रही हैं। कंसाइड का मतलब कुछ घटा बड़ी नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर। द थिंग्स विच आर कंसाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी जो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर। अब हम एक और एग्जाम्पल देते हैं अपने हथेलियों का। देखिए हमारी दो हथेलियाँ हैं, इनको हमने एक दूसरे ऊपर कंसाइड कर दिया, तो ऐसा कंसाइड होना चाहिए कि इधर से देखने पर वह हथेली नहीं दिखनी चाहिए और इधर से देखने पर वह हथेली नहीं दिखनी चाहिए। कंसाइड का मतलब ये होता एग्जैक्टली सेम। तो अगर ये दोनों इधर से देखने को न दिखे और इधर से देखने को न दिखे, तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ इक्वल। चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियाँ, दो चूड़ियाँ ले लो आप और दोनों आपस में सटा दो, इधर से देखो तो उधर पीछे वाली ना दिखनी चाहिए और इधर से देखो उधर वाली ना दिखनी चाहिए, तो समझो ये दोनों कंसाइड कर रही है। अगर कंसाइड कर रही है तो दोनों आपस में बराबर है। देखो, थिंग्स विच आर कंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जो चीज़ें एक दूसरे को कंसाइड करती है वो आपस में बराबर होती है। ये आपका फोर्थ पॉइंट था। अब चलो फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा, द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट। बहुत ज़बरदस्त बात कहा, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो होल होता है वो अपने पार्ट से सदैव बड़ा होता है। होता है कि नहीं होता, होल होल मतलब टोटल। जैसे मोबाइल है आपके साथ में है, तो एक मोबाइल होल है, अब उसकी बैटरी निकाल दो अलग, तो मोबाइल का जो वेट होगा वो उस बैटरी के वेट से ज़रूर बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा, यानी जो होल है वो अपने पार्ट से सदैव बड़ा होता है। जैसे मेरी बॉडी 75 केजी की है, तो मेरे आर्गन कोई भी आर्गन होगा वो 75 से बड़ा नहीं हो सकता, वो छोटा ही होगा। जैसे 10 किलो का हुआ, 20 किलो का हुआ, 5 किलो का हुआ, तमाम आर्गन अलग अलग हो सकते हैं। तो जो होल है वो अपने पार्ट से ज़रूर बड़ा होता है, एकदम मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। देखो, द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो होल होता है वो अपने पार्ट से सदैव बड़ा होता है। जैसे और एक एग्जांपल दे, जैसे 100 रुपये का नोट है, अब 100 रुपये को टुकड़े कर लो, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, नोट अलग अलग रख लो, तो उसमें से जितने भी टुकड़े हैं वो कोई भी टुकड़ा 100 से बड़ा नहीं है। यानी 100 ही सबसे बड़ा टुकड़ा है, 50 से भी बड़ा है, 20 से भी बड़ा है, 10 से भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 100 के ही वो टुकड़े हैं, तो वो जो 100 है वो अपने टुकड़ों से तो बड़ा होना ही होना। यानी जो द होल होता है, द होल वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इस पार्ट।
जो होल वैल्यू होती है अपने पार्ट से सदैव बड़ी होती है, ठीक है। ये फिफ्थ वाला था। आइए सिक्स देखते हैं। सिक्स पॉइंट है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग। कोई एक चीज ले लो, उसका डबल ये ले लो और उसका डबल ये ले लो, अब दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। सपोज करो मेरे पास 10 रुपये की नोट है, सपोज करो, तो अब 10 का दुगना 20 रुपये इनके पास है और 10 का दुगना 20 रुपये इनके पास है, तो इनके पास भी 20 है, इनके पास भी 20 है, आपस में बराबर है। यानी किसी सेम थिंग के जो डबल होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। एक एग्जांपल ले लो, सपोज करिए एक्स है कोई चीज़, सपोज करो एक्स है और इजिक्वल टू वाई, दो चीज़ बराबर, तो इसका जो डबल होगा 2x और इसका डबल होगा 2y, तो ये भी आपस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी अगर सेम चीज़ बराबर है पहले से तो उसका डबल कर दो तो वो भी आपस में बराबर हुआ। या थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, किसी सेम थिंग के डबल ले लो, जैसे मान लो कोई चीज़ x है तो इसका डबल 2x और इसी का डबल 2x, दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि इसी सेम थिंग का डबल ही है दोनों, इसलिए बराबर है। द डबल ऑफ द सेम थिंग, देखो क्या लिखा, सिक्स नंबर, विच थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, तो वो चीज़ें आपस में बराबर होंगे, किसी एक चीज़ के डबल चीज कोई चीज़ है। और इसी का जस्ट उल्टा है अगला पॉइंट सेवन, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, अगर किसी चीज़ की आधी है आपके पास तो भी वो बराबर, जैसे 100 रुपये का नोट हमारे पास है उसकी आधी 50 इनके पास है और इसी की आधी 50 इनके पास है, तो ये 50-50 भी आपस में बराबर है। जैसे मान लो कोई 10 रुपये है हमारे पास, अब 10 का आधा 5 इनके पास है और इसी 10 का आधा 5 इनके पास है, तो ये 5-5 भी आपस में बराबर होगा। अच्छा, ये लाइन को आपको देखकर ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई बात तो सही है, अब आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन जिस समय ये बनाया गया, जिस समय उन्होंने यह बात सोचा, हो सकता है वो पहले इंसान रहे हों जो इस तरह की बात सोच रहे थे, इसलिए उनको गणित में वैल्यू दी जाती है, अच्छी बात उन्होंने किया। तो कितने 7 ऐसे एग्जियम्स उन्होंने दिए, ऐसे अवग्रहित दिए जो मैथमेटिक्स के पूरे पूरे मैथमेटिक्स में आपसे लेके आगे तक जहाँ तक भी आप पढ़ोगे सब जगह ही एक्सियम लागू होंगे, ठीक। अब चलते हैं पार्टिकुलेट के पास, उन्होंने कुल 5 पार्टिकुलेट दिए हैं और इन 5 पार्टिकुलेट को ज्योमेट्री में इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम ऊपर की वैल्यू मिटा देते हैं जिससे समझने में आसानी रहेगी, हमने इसको मिटा दिया। अब आते हैं पार्टिकुलेट में अवधारणाएं देखो, ये है कि ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या बात कही है उन्होंने, कहा स्ट्रेट लाइन कोई सीधी रेखा है तो स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब जो स्ट्रेट लाइन होती है किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक आराम से खींची जा सकती है। सिंपल है, देखो जो स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, तो एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों के बीच में बहुत आराम से खींची जा सकती है, यही उन्होंने कहा। देखो ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन खींची जा सकती है फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक एक सीधी लाइन खींची जा सकती है, मतलब कितनी बड़ी खींची जा सकती है, ये धरती है और एक मून है, चंद्रमा है, तो इस धरती को एक पॉइंट ले लो और मून को एक पॉइंट ले लो तो एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, इतना दूरी 384,000 किलोमीटर की एक लाइन खींची जा सकती है। तो एक सीधी लाइन किसी भी एक पॉइंट से किसी अदर पॉइंट तक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये पहला पार्टिकुलेट एकदम याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि फर्स्ट पार्टिकुलेट में क्या लिखा हुआ, पार्टिकुलेट में वो आपको बताना होगा। चलिए सेकेंड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डेफिनेटली, टर्मिनेटेड लाइन कोई भी टर्मिनेटेड लाइन हो उसको किसी भी अनंत दूरी तक खींची जा सकती है। देखो मैं एक लाइन लेता हूँ, दूसरा पॉइंट है ये, एक लाइन है इतनी बड़ी, आप कहते हैं इसको किसी भी इधर भी और इधर भी किसी भी दूरी तक खींची जा सकती है। देखो ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, इनफिनेटली मैंने बहुत दूर तक खींचा जा सकता है, अनंत तक खींचा जा सकता है, इसको हम लेकर के खींच सकते हैं अनंत तक खींच सकते हैं, इसको हम खींच सकते हैं अनंत तक खींच सकते हैं, मैंने किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को आप दोनों तरफ बढ़ा करके अनंत तक खींच सकते हैं, यानी लाइन दोनों तरफ अनंत तक गई हुई है, ये आपका सेकेंड पार्टिकुलेट था, ठीक है। अब तक हम लोगों ने दो पार्टिकुलेट देख लिए, पहला पार्टिकुलेट था
कि स्ट्रेट लाइन किसी भी दो पॉइंट के बीच में आराम से खींची जा सकती है, और दूसरा था ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनेटली, किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को इन्फिनेटली खूब बड़ा सा किया जा सकता है, अनंत तक किया जा सकता है। तीसरा है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर ऑफ एनी रेडियस, यानी किसी को भी सेंटर मान करके और कितने भी रेडियस लेकर के सर्किल खींची जा सकती है। कितना सिंपल सी बात है ना। देखो जैसे मान लो हमने सेंटर मान और इस पर इतना बड़ा एक रेडियस बना दिया, सर्किल बन गया। चलो हम यहाँ सेंटर लेते हैं और बड़ा सा रेडियस बना दिए। चलो हम यहाँ सेंटर लेते हैं, इतना छोटा सर्किल बना दिए। देख रहे आप, यानी किसी भी सेंटर को लेकर के और किसी भी रेडियस को लेकर के सर्किल खींचा जा सकता है। सही है, खींचा जा सकता नहीं। देखो हमने तीन सर्किल खींचा और तीनों अलग अलग साइज के हैं, तो अलग अलग सेंटर भी है, अलग अलग साइज भी है, तो तीनों के रेडियस अलग है। मान लो इसका रेडियस आर वन है, इसका रेडियस आर टू है, इसका रेडियस आर थ्री है, तो रेडियस अलग अलग है, सेंटर अलग अलग है, और हम आराम से लाइन खींच सकते हैं, सर्कल खींच सकते हैं। ये हमारे लोग का तीसरा पासलेट था। आप फोर्थ पासलेट देखो, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर, जितने भी राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल मतलब समकोण 90 डिग्री, जितने भी समकोण होते हैं वो सब आपस में बराबर होते हैं। भाई क्यों नहीं बराबर होंगे? देखो ये समकोण है, ये समकोण है, ये समकोण है, देखते जाओ, ये समकोण है, ये चार समकोण मैंने बनाए, चारों राइट एंगल है और सब आपस में बराबर है। यानी इस समकोण को लाओ इसके ऊपर रख दो तो एग्जैक्टली रख दोगे, एकदम कंसाइड कर जाएगा। इसको उठा के इसके ऊपर रख दो ऐसे घुमा करके, तो एकदम एग्जैक्टली बैठ जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जितने राइट एंगल होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। यही कहा गया कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर वन अनदर, यानी जितने राइट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। चार हो गए। पांचवा पासलेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं पांचवा पासलेट क्या है। उस साइज में बड़ा भी है देखने में। देखो मैं पढ़ रहा हूँ उसको, पांचवा पासलेट मैं पढ़ रहा हूँ। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑफ व्हिच द सेम ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल। इसका मतलब समझे कि अगर दो लाइन के ऊपर एक तीसरी लाइन डाली जाए तो जो उनके इंटीरियर एंगल होते हैं, आंतरिक कोण, उनको जोड़ने पर अगर लेस देन 180 डिग्री हो जाए, लेस देन टू राइट एंगल, टू राइट एंगल मीन 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री कम हो जाएगा तो उसी तरफ अगर उसको बढ़ाया जाए इन्फिनेटली तक, तो वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। देखो अगर मैंने एक लाइन ऐसे लिया, एक लाइन ऐसे लिया और इसके ऊपर एक तीसरी लाइन डाल दी, तो आप देखो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल कहे जाते हैं। सपोज करो इस एंगल का नाम x डिग्री, इस एंगल का नाम y डिग्री। अगर x प्लस वाई डिग्री इज लेस देन 180 है, लेस देन टू राइट एंगल मीन्स लेस देन 180, अगर ये लेस देन 180 है तो इसी साइड में जिधर वो 180 से कम है इसी साइड में अगर इसको बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं पर मिलेंगे, जरूर जरूर मिल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे? अब यहाँ से एक अर्थ और निकल रहा है अगर आप महसूस करें तो। इसका मतलब हुआ कि अगर ये 180 ना हो तब, 180 से कम ना हो तब, 180 के बराबर हो तब क्या होगा? तब कभी नहीं मिलेंगे। मज़ेदार बात है देखो, यानी इसी में से इसीलिए पूछा जाता, फिफ्थ वाला पूछा जाता बार बार कि क्या यहाँ से एक और अर्थ निकल रहा है, क्या पहले लाइन के बारे में भी यूक्लिड ने बात किया है? पहले लाइन शब्द नहीं लिखा उन्होंने, शब्द के बारे में नहीं लिखा, पहले लाइन के बारे में बोला नहीं, लेकिन यहाँ से एक अर्थ जरूर निकल रहा है। उनका ये कहना था कि अगर x और y लेस देन 180 है तो जिधर 180 से लेस है उधर आगे बढ़ाओगे तो जरूर मिल जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये भी हुआ कि अगर हम दो लाइन ऐसी ले लें और उसके इंटीरियर एंगल ऐड करें और a प्लस बी, यानी सपोज करो इसका नाम a है, इसका नाम b है, अगर हम a प्लस बी लिखें और बराबर 180 कर दें, लेस ना करें बराबर कर दें, तो क्या होगा? ये बराबर हैं तो सीधे चले जाएंगे, इनफाइनाइट दूरी तक चले जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं मिलेंगे। इसका मतलब हुआ ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर इन दोनों को जोड़ने पर 180 हो रहा है तब ये पैरेलल हो जाएंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। अगर 180 से कम होंगे तो ज़रूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे, पक्का है। और अगर 180 से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। यानी तीन अर्थ निकल रहा है इस फिफ्थ पासलेट से, कुल तीन अर्थ निकल रहा है। पहला आपने देख लिया, हम तीनों डिजाइन बना के एक साथ समझाते हैं।
तीनों डिजाइन बना के हम एक साथ बताते हैं। देखो इसको हम लेते हैं ए, इसको हम लेते हैं बी, और यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी इज लेस देन 180। फिर ये देखो बराबर लेते हैं, इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, और यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको मान लो ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू नहीं इज ग्रेटर देन 180। तीन डिजाइन पर बात कर रहे हैं और तीनों डिजाइन यानी उन्होंने कहा था ये, लेकिन ये दोनों अर्थ अपने आप निकल रहे हैं। देखो उनका कहना था कि अगर ये इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने पर 180 मतलब टू राइट एंगल से कम वैल्यू आती है, तो इनको अगर आप आगे बढ़ाते हो तो ये आगे जा कर के कहीं ना कहीं मिलेंगे, पक्का है मिलेंगे। ये इन्होंने पहली बात कही, और जो उन्होंने नहीं कही जिसका अर्थ निकला वो अब मैं बता रहा हूँ। अगर ये दोनों मिलकर 180 हो गए तो ये हमेशा चाहे जितना दूर बढ़ाते चले जाओगे ये पैरेलल बनी रहेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर एक अर्थ और निकल रहा है कि अगर वन और ए और बी मिलकर के 180 से ज़्यादा हो जाए तो ये आगे होते जाएंगे और एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे, दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, तीन बातें निकल रही हैं आपके पर्सनल फाइल से। तो अभी तक था आपका इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज क्या है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1।